अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के दिमाग के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, जिससे कई फंक्शंस में कमी होती है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लैंग्वेज स्किल्स और डिसीजन मेकिंग। इसका सबसे कॉमन सिम्टम मेमोरी लॉस होता है। इस वीडियो में हम अल्जाइमर डिजीज होने के कारण, इसके लक्षण और इसके उपचार के तरीकों को जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्जाइमर डिजीज ब्रेन में एबनॉर्मल प्रोटीन के जमा होने से होता है। इससे ब्रेन सेल्स के बीच का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है और सेल डेथ को ट्रिगर कर देता है। इस बीमारी के कुछ और भी कॉमन काजेज हो सकते हैं, जैसे अल्जाइमर ज़्यादातर ओल्ड एज में देखा जाता है। ये 60 से 65 साल के बाद हो सकता है और उम्र बढ़ने के साथ इसका रिस्क भी बढ़ सकता है। कुछ केसेस में जेनेटिक फैक्टर्स भी इस बीमारी का कारण हो सकते हैं। किसी तरह की हेड इंजरी भी अल्जाइमर की बीमारी का कारण हो सकता है। खराब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज भी अल्जाइमर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पॉल्यूशन भी अल्जाइमर का कारण हो सकता है। अल्जाइमर डिजीज के लक्षणों की बात करें तो मेमोरी लॉस सबसे कॉमन सिम्टम होता है। इसमें इंसान रिसेंटली हुए कोई इवेंट या किसी से मिलना और पड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन को भूल जाता है। अल्जाइमर होने पर आपके कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई इंसान सही वर्ड या सही सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है, उसे अपना विचार रखने में प्रॉब्लम होती है, तो यह भी अल्जाइमर का लक्षण हो सकता है। अल्जाइमर के पेशेंट्स को डिसीजन मेकिंग यानी सही फैसले लेने में भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा लगातार कन्फ्यूजन की स्थिति भी अल्जाइमर डिजीज के लक्षणों में से एक है। अल्जाइमर की बीमारी को ठीक करने वाली होम रेमेडीज की बात करें तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने खाने में बदलाव करना चाहिए। आप खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, फैटी फिशेस, नट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज भी आपके ब्रेन हेल्थ को ठीक रखने में मदद करती है। इसके अलावा आप मेंटल स्टिमुलेशन जैसे पजल्स, क्रॉसवर्ड जैसे चीज़ों से ब्रेन को एक्टिव रख सकते हैं। सोशल इंट्रैक्शन और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी दिमाग के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। अच्छी नींद भी कॉग्निटिव फंक्शंस को ठीक करने में मदद कर सकती है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। अल्जाइमर की बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर्स आपको ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न मेडिसिन में डॉक्टर्स आपको कोलाइन स्ट्रेज इनहिबिटर्स और मेमानिटिन जैसी दवाएं प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बताई गई सारी दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई सारी बातें आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में सेहत से जुड़े किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।